या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दर्शकों, नवरात्रि के शुभारंभ पर शैलपुत्री माता की कथा आज हम आपको सुनाएंगे। नवरात्रि में माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप से पूजा जाता है। राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषक है, इसलिए यह दिन वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा और ये सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी एक कहानी है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो माता शैलपुत्री की कहानी है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, इसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विलख हो उठी। शंकर जी ने कहा, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने जाने की अनुमति दे दी। सती जब महल पहुंची तो माँ ने ही उनका स्नेह आदर किया और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास था उनके पति के लिए, शंकर जी के लिए। दक्ष ने भी उनके पति के लिए अपमानजनक वचन कहे। इससे सती जी को बहुत ही कष्ट और क्लेश पहुंचा और उन्होंने हवन कुंड में अपने आप की आहुति देकर अपने आप को भस्म कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ये बात जब शंकर जी को पता चली तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज पुत्र, हिमालय की पुत्री शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर जी से ही हुआ था। इन देवी की शक्ति अनंत है। तो दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन हम आपको रोज़ कहानी एक कथा सुनाएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय माँ।